अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिशेल तैयब एंड वेलकम टू गोहर पब्लिशर्स। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और आज जो है वो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉलरेंस। जी हाँ बच्चों, तो आज हम टॉलरेंस यानी सब्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो है वो कल किसके बारे में पढ़ा, डाइवर्सिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सब्र के बारे में। और सब्र की सबसे पहले हम टॉलरेंस की डेफिनेशन ले लेते हैं। Tolerance is a concept that helps people to live together peacefully. If you are tolerant, that means you accept other people's opinion and lifestyle, even when they live in a way that you don't agree with. ठीक है, अब tolerance का मतलब क्या है? Tolerance का मतलब है कि आप किसी society में रहते हो, ठीक है, और आपके साथ वाले जो आपके नेबर्स हैं उनका लाइफस्टाइल आपको पसंद नहीं भी आता। आप कहते हो कि जी वो लाउड म्यूज़िक चलाते हैं, वो बहुत रात तक जो है वो लाइट जलाकर रखते हैं, और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना अपने नेबर्स के साथ। लेकिन उसको सब्र के साथ और बहुत ज़्यादा तहम्मुल के साथ उस चीज़ को सॉल्व करना सब्र कहलाता है। बच्चों देखिए, आपने जिस सोसाइटी में रहना है ना, आपने उस सोसाइटी को अपने मुताबिक आपने देखना कि आप किस तरह से पीसफुल बना सकते हो। और अगर आप उस सोसाइटी को पीसफुल बनाते हो ना, तो लोग ऑटोमेटिकली कहने लग जाते हैं कि ये बहुत साबिर इंसान है और ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को हैंडल आउट करता है। इसकी एक और डेफिनेशन हम ले लेते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और फाइट, कीपिंग काम एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स विथ पेशेंस इज कॉल्ड टॉलरेंस। यानी कि अगर आपकी कोई लड़ाई हो जाती है, कोई आर्ग्यू हो जाता है, और आप सामने वाले के ओपिनियन को जो है वो अब नहीं पसंद करते हो, आप कहते हो कि जी मुझे उसका ओपिनियन नहीं पसंद आया, तो आप जो है ना वो उससे लड़ाई नहीं करोगे, खुद को काम करोगे। आप जो है वो सोचोगे कि आपने किस तरह से सोसाइटी को जो है वो बेहतर बनाना है। आप उस वक्त उस झगड़े में अगर आप देखें आप भी आर्ग्यू करना शुरू कर देंगे ना, तो लोग कहेंगे कि ये तो दो जाहिलों की लड़ाई हो रही है, और आपने खुद को जाहिल नहीं बल्कि आपने खुद को अकलमंद जाहिर करना है, खुद को साबिर जाहिर करना है। तो इसलिए आपने कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ईजीली ईजी हैंड लेके चलना है, और आपने जो है ना उन्हें कहना है कि जी हम इसको एक अच्छे वे में भी ख़त्म कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे वेज और भी आ जाते हैं कि आप इसको किस तरह से और डिफाइन कर सकते हो। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ एनी वन मेक्स एनी मिस्टेक देन डोंट बी एंग्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। अच्छा जी, कोई भी मिस्टेक कर देता है ना तो हमें फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। हम कहते हैं कि जी ये इसने क्या कर दिया, ये काम तो इस तरह से होना नहीं था। वो बहुत सारे उसके और भी रीजंस हो सकते हैं, टाइम की शॉर्टेज हो सकती है, जगह का इशू हो सकता है, एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है, आपको एम्बियंस पसंद नहीं आ सकता, आपको वो सर्विस पसंद नहीं आ सकती। तो आपने फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना, आपने देखना कि सामने वाले का क्या इशू है। देखिए अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक आ रही है, आपकी तरफ से कोई इशू आ रहा है, तो हो सकता है सामने वाले के भी अपने कोई इशूज हों, कोई उसकी भी रीज़न हो, तो आपने उसको भी देखना है। इफ़ आ मुस्लिम स्टूडेंट देन रिस्पेक्ट द क्रिश्चियन सिख हिंदू स्टूडेंट्स ईटीसी। आप एक सोसाइटी में रहते हो और आप माइनॉरिटीज़ के साथ भी रहते हो, उन माइनॉरिटीज़ में आपके पास कौन कौन से लोग आ जाते हैं, क्रिश्चियन आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, और आपकी सोसाइटी में वो भी आपके पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो आपने उनके साथ बहुत अदब एहतराम से रहना है। आपने कभी भी उनके रिलीजन पे उंगली नहीं उठानी, ठीक है। आपने हमेशा से आप मुस्लिम हो और आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि हमारा इस्लाम हमें सब्र की तलकीन करता है और अच्छाई की तलकीन करता है। तो आपने अपने जेस्चर के ज़रिए एक अच्छा पैगाम छोड़ना है। देन रिस्पेक्ट एवरी वन आइडियाज़ एंड लाइफ स्टाइल। जैसे कि हमने पहले बात की कि सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबके लाइफ स्टाइल की रिस्पेक्ट करनी है। फॉरगिव द पीपल फॉर देयर मिस्टेक्स। लोग गलतियाँ कर देते हैं, देखिए इंसान खता का पुतला है, आपने फ़ौरन जज नहीं करना। आप माफ़ी का रवैया अपनाएंगे ना, तो सामने वाला भी आपसे खुश होगा, और वो नेक्स्ट कोई गलती करते हुए ना 10 दफ़ा सोचेगा कि मैंने इसके साथ गलती की थी, उसने मुझे माफ़ कर दिया था, तो ये एक ही दफ़ा हो सकता है, मुझे नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखना चाहिए। डोंट फाइट ऑन लिटल थिंग्स। अक्सर होता है ना, आप छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, उसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरा रबर ले लिया। अक्सर ऐसा भी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दो बच्चों के पास एक जैसी चीज़ होती है, और वो समझते हैं कि अगर हमारी चीज़ गुम गई है ना तो हमारी चीज़ उसके पास है। तो आपने छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करनी, बल्कि आपने एक साथ मिलजुल के रहना है। तो ये थी एग्जाम्पल्स। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर और आगे क्या आ जाता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग इन हारमनी। हारमनी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। कीपिंग काम एंड टॉलरेंस स्पेशली एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ डाइवर्स सोसाइटी मीन्स हारमनी।
Harmony is very important for a peaceful society. People could be in a different languages, religions, lifestyles, but respecting each other, opinion and taking care of everyone's feeling create perfect harmony. अच्छा जी, आप हार्मनी की डेफिनेशन उन्होंने किस तरह से बताई? उन्होंने कहा आप एक डाइवर्स सोसाइटी में रह रहे हो और आप जो है उसमें सब्र का मुजाहिरा भी करना है, और उस सब्र के मुजाहिरे को उस डाइवर्स सोसाइटी में रह कर करना हार्मनी कहलाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया, बहुत सारे कल्चर से उनका जो है वो सकाफत अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका मजहब अलग है, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं। तो आपने जो है ना वो फ़ौरन जज आउट नहीं करना कि जी अच्छा इसने ये गलती की है, ये एक ऐसे मजहब से ताल्लुक़ रखता है तो ये हो सकता है कि जो ये है, हम उसको उसके एक ऐसी चीज़ पे जज करने लग जाएं जो कि मुनासिब ही नहीं है। तो आपने जो है वो अपने अंदर एक वो कामनेस रखनी है, एक पेशेंस रखना है, जो कि हमारा इस्लाम भी हमें दर्ज देता है। और उसके बाद अगर आपने रिएक्ट करना भी है तो वो एक ऐसा प्रॉपर वे होना चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसे समझ भी आ जाए। डिसएग्रीमेंट्स की बात हम कर रहे थे, और डिसएग्रीमेंट्स बहुत सारी चीज़ों पर हो सकते हैं, लेकिन उसके कोई से तीन कॉमन फैक्टर्स होते हैं बच्चों, जिन पे हम जो है वो अक्सर डिसएग्रीमेंट कर देते हैं और वो कॉमनली हो जाते हैं। वो कौन से हैं? पर्सनल एंड पीयर लेवल, हाउस लेवल, नेबरहुड लेवल। यानी कि आप पर्सनल लेवल और पीयर लेवल, पीयर लेवल क्या होता है, फ्रेंड लेवल, आप जो है ना वो उस पर कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हो, डिसएग्रीमेंट कर जाते हो, और उसकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा हाउस लेवल, हाउस लेवल पे भी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा नेबरहुड लेवल, यानी कि आपके हमसायों के साथ भी आपके डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, और वो कौन सी चीज़ें होती हैं उस हवाले से भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पर्सनल लेवल यानी फ्रेंडली लेवल पे हम जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? जेलेसी, अ लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, डिफरेंट प्रिंसिपल वेज अबाउट लाइफ, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये आपके जो है वो पर्सनली या फ्रेंडली लेवल पे हो सकते हैं। फिर आ जाता है हाउस लेवल, देयर कुड बी मैनी कॉजेज फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर फैमिली। वो कौन कौन से हो सकते हैं? डिफरेंसेस विद पेरेंट्स, प्राइवेसी एट होम, लॉड ऑफ वर्क, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, differences with younger or older brother and sister. देखें, इन दोनों में सेम चीज़ क्या है? इन दोनों में सेम चीज़ ये है कि आपके ऊपर जब आप जो है ना वो एक पेशेंस यानी एक सब्र का दायरा जब हाथ से छोड़ देते हो ना, तो वो कहीं पे भी आपको डिसएग्रीमेंट कर सकता है। फ्रेंड्स में जेलेसी आ जाती है, इसके अलावा जो है वो पुअर कम्युनिकेशन स्किल, वही बताया ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो हम दोनों की चीज़ें एक जैसी हैं। इसी तरह घर में भी होता है, घर में भी आप पेरेंट्स से थोड़ा सा जो है वो डिसएग्री करते हो, आपको लगता है कि जी हमें छोटी एज में लगता है कि हम ही सही हैं और पेरेंट्स गलत हैं, तो ये डिसएग्रीमेंट की वजह बनती है। इसके अलावा आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, आप काम करके जाते हो तो आप घर जाकर फिर वो पेरेंट्स से आप इस तरह से बात करते हो। इसके अलावा आप अपने छोटे बहन भाइयों से लड़ाई करते हो, और छोटे बहन भाइयों से लड़ाई जो है वो एक अमूमन और एक बहुत ही अहम मसला है, और ये हर घर में होता है। ठीक है, तो इससे हमने ज़रा इज्तनाब करना है। छोटे बहन भाइयों को हम आराम से भी समझा सकते हैं कि ये काम इस तरह से नहीं, इस तरह से भी किया जा सकता है। और लास्ट इसके अंदर है हमारा नेबरहुड लेवल, यानी कि आपका हमसायों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसमें क्या क्या कॉजेज आ सकते हैं? Differences about sharing the common space like using space in the street, differences about playing in the public park or ground, using loud music, lack of respect, late night disturbance, etc. जैसे कि हमने बात की कि हम कहते हैं कि जी वो बहुत loud music use करते हैं, आप एक जगह जब same जो है वो place use कर रहे होते हो, जैसे आपकी गली है, आपकी street है, तो आप कहते हो कि जी ये इसमें गन पड़ गया है, ये कुछ हो गया, तो उस पर भी conflicts आ सकते हैं। इसके अलावा late night, यानी कि अगर आप neighbors की light जलती है और उसकी जो रोशनी है वो आपके घर तक भी आती है, और वो बहुत late night तक जो है वो light जला कर रखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने उन्हें इजीली रिजॉल्व करना है, ना कि आपने उनसे झगड़ा करना है। तो बच्चों, ये सारी चीजें हैं जो कि बाइस बन सकती हैं, आपने इन्हें बहुत ध्यान रखना है कि ये चीजें जो है कहीं आप तो नहीं कर रहे। अगर इनमें से कोई ये चीज भी आप छोड़ देंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आज आपको जो है वो टॉलरेंस का मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, उसकी कॉजेज भी पता चल गई होंगी। तो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।